हेलो एवरीवन हम लोगों का चैप्टर टू अब कंप्लीट हो चुका है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा इसमें फाइनल एग्ज़ाम्स में आने वाले तीन चार क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ और एन एक्सरसाइज में 18 क्वेश्चंस हैं 18 क्वेश्चंस हैं उसमें वो क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं और अब हम लोग एनसीआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे क्वेश्चन वन नेम द पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिटोफाइट टेक प्लेस इसमें जहां पर मेल एंड फीमेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट होता है उस पार्ट का नाम बताना है ईयर सोल्यूशन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमिटोफाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम माइक्रोस्पोर और पॉलिन ग्रेन्स पॉलिन ग्रेन्स क्या है ये मेल गैमिट रिलीज करता है जो विच डेवलप इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम और सैक ऑफ एन एंथर एंथर जो है वो स्टेमन का पार्ट होता है जो कि एंड्रोसियम का पार्ट है उसमें सैक होते हैं सैक को माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम ये क्या है ये रहने का जगह माइक्रोस्पोर के रहने का जगह जो होता है जो कि पॉलिन सैक है जहां पर पॉलिन ग्रेन्स डेवलप करते हैं वहीं पर मेल गैमिटोफाइट का डेवलपमेंट होता है एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमिटोफाइट टेक्स प्लेस इन द सेलस ऑफ ओव्यूल और फीमेल गैमिटोफाइट जो होते हैं वो ओव्यूल के न्यूसेलस में उनका डेवलपमेंट होता है question number 2 differentiate between microsporogenesis and megasporogenesis which type of cell division occurs during these events name the structures formed at the end of these two events ठीक है यहाँ पर क्वेश्चन है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है कि आ, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड मेगा एस्पोरोजिनेसिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स है ना तो इसमें कौन सा सेल डिवीज़न होता है ये दोनों का फॉर्मेशन के ड्यूरिंग uh, मतलब उस बनने के जो प्रोसेस होता है उसमें कौन सा सेल डिवीजन होता है और जो नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म एट एंड ऑफ टू इवेंट्स और कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो बनता है डेवलप होता है ठीक है तो सॉल्यूशन माइक्रोस्पोरोजिनेसिस फर्स्ट इट इज म्योटिक फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मेगा एस्पोर इट इज म्योटिक फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड मेगा एस्पोर फ्रॉम डिप्लॉयड मेगा एस्पोर मदर सेल यहां कहने का मतलब है कि इज अ म्योटिक फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर ठीक है तो गैमिट जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं तो माइक्रोस्पोर जो हुआ वो हैप्लॉयड होगा और इसमें म्योसिस डिवीजन होता है इसी तरह से मेगा एस्पोर में भी जो आ, मेगा एस्पोर मदर सेल जो होते हैं जो कि मेगा स्पोर बनाते हैं तो वो डिप्लॉयड होते हैं और मेगा एस्पोर जो होता है वो हैप्लॉयड होता है और इसमें भी मियोटिक डिवीजन होता है म्योसिस होता है सेकेंड द अरेन्जमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्ट्स इन अटेट्राड इज जनरली टेट्रा हेड्रल मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूं हियर मेगा एस्प्रोजेसिस में द अरेन्जमेंट ऑफ मेगा स्पोर्ट्स इन अटेट्राड इज कॉमनली लीनियर ये अरेन्जमेंट है इसमें माइक्रो स्पोर्ट्स का अरेन्जमेंट है और इसमें मेगा स्पोर्ट्स का अरेजमेंट है वो किस तरह का होता है इसमें टेट्रा हेड्रल होता है इसमें लीनियर होता है एंड थर्ड

एक ही मेगा स्पोर जो है वो फंक्शनल होता है ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजिनेसिस एंड मेगा स्पोरोजिनेसिस म्योटिक सेल डिविजन अकर्स विच रिजल्ट इन हैप्लॉयड गैमिट्स द माइक्रोस्पोर और पॉलिन ग्रेन एंड मेगा स्पोर्स क्वेश्चन नंबर थ्री अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन द करे करेक्ट डेवलपमेंट सिक्वेंस यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन दिया कि इसको अरेंज करना है कि किस तरह से इनका डेवलपमेंट होता है तो यहाँ दिया हुआ है पॉलिन ग्रेन नेक्स्ट स्पोरोजिनस टिश्यू देन माइक्रोस्पोर्टेट्रांट आफ्टर दैट पॉलिन मदर सेल एंड देन मेल गैमिट्स इसको आपको अरेंज करना है सिक्वेंस में कि सही सिक्वेंस इसका क्या होगा तो सोल्यूशन इज द करेक्ट डेवलपमेंटल सिक्वेंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमिट इज फर्स्ट स्पोरोजिनस टिश्यू पहले स्पोरोजिनस टिश्यू बनेगा फिर पॉलेन मदर सेल उसके बाद पॉलेन मदर सेल बनेंगे तब उसमें माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा फिर पॉलेन ग्रेन बनेंगे और देन मेल गैमिट ठीक है इसमें इस्पोरजिनस टिश्यू पहले ये टिश्यूज होते हैं जहाँ पर ये बनना स्टार्ट होता है मश्योर होना ये बिफोर मेच्योरेशन है जहाँ पर पहले टिश्यूज बनते हैं उसके वो मदर सेल बनते हैं पॉलिन मदर सेल बनते हैं फिर टेट्राड बनता है और उसमें पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है और वो फिर मेल गैमिट्स होते हैं क्वेश्चन नंबर फोर विथ अ नीट लेवल डायग्राम डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल अब इसमें आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी देना है और ओव्यूल का डायग्राम भी बनाना है कभी कभी आप लोगों को जो क्वेश्चन आता है उसमें डायग्राम बना हुआ रहेगा और आपको पार्ट्स को लेबल करना होता है फोर और फाइव पार्ट्स उसमें खाली लाइन दिया हुआ रहेगा आपको उसका पार्ट्स को लिखना रहता है कि वो कौन कौन से पार्ट्स हैं और कभी कभी ये डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ रहा था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विथ अ नीट लेवल डायग्राम डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल एनजियोस्पोमिक ओव्यूल ओव्यूल का डायग्राम बनाना है और इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है तो एन एंजियोस्पोमिक ओव्यूल consists of the following parts the ovule is attached to placenta by means of a stalk called funicle or funiculus yahan par funicle hai jisse ki ovule jo hai wo attached rehta hai the point of attachment of funiculus to the body of ovule is called hilum और जहाँ पर फ्यूनिकल से ये जुड़ा रहता है वो hilum कहलाता है आप लोग ये चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज मेड अप ऑफ पैरनकाइम टिश्यू कॉल्ड न्यूसेलस यहाँ पर ये जो है पैरनकाइमा टिश्यूज होते हैं यहाँ पे जिससे कि ये पूरा ओव्यूल बना हुआ होता है उसको न्यूसेलस कहते हैं न्यूसेल्स इज कवर्ड ऑन इट्स आउटसाइड बाई वन और टू कवरिंग्स कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स एंड ओव्यूल इज राइटली कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एनवेल टाइप का है ये आउटर कवरिंग होता है तो ये दो होता है आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट द इंटेग्यूमेंट कवर एंटायर न्यूसिलस एक्सेप्ट अस्मॉल पोर एट अपर एंड विच इज कॉल्ड माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल इज फॉर्म जनरली बाई इनर इंटेग्यूमेंट और बाय इंटेग्यूमेंट्स अब यहां पर जो है ये कवरिंग जो होता है वो एक यहाँ पर स्मॉल पोर होता है वहां पर ये कवरिंग नहीं होता है उस पोर को कहते हैं माइक्रोपाइल द प्लेस ऑफ जंक्शन ऑफ इंटेग्यूमेंट्स एंड न्यू सिलस इज कॉल्ड चलेजा जहां पर इंटेग्यूमेंट्स ये एनवेलप्स जो होते हैं और ये जो न्यूसेल्स जो होते हैं इसको चले जा हैं एंड इन्वर्टेड ओव्यूल्स जो कि बहुत ही कॉमन टाइप का होता है ये द स्टॉक ऑफ फ्यूनिकुलस इज अटैच टू द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल फॉर सम डिस्टेंस टू फॉर्म अ रिच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रैफे यहाँ पर देख रहे हैं रैफे है यहाँ पर फ्यूनिकल है तो ये अटैच होता है ओव्यूल के मेन बॉडी से और जो इसमें इस रिज्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको रैफे कहते हैं इन द न्यू सेल्स ऑफ ओव्यूल अ लार्ज ओवल शेल इज प्रेजेंट एट माइक्रोपाइलर एंड विच इज नोन एज एम्ब्रियोसैक दैट इज फीमेल गेमिटोफाइट विच डेवलप्स फ्रॉम मेगा अब यहाँ पर ओव्यूल जो होता है ये जो ओव्यूल है लार्ज इसमें इस प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइलर एंड में जिसको कि सैक कहते हैं ये जो है वो सैक कहलाता है ठीक है जो कि फीमेल गैमिटोफाइट होता है जो मेगा स्पोर से डेवलप होता है अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं यहाँ एग एपरेटस होता है फिर से मैं रिपीट कर दूं कि एग एपरेटस और एक सेल में क्या डिफरेंस है एग एपरेटस जो होता है इसमें दो सीनर्जी और एक एग सेल प्रेजेंट होते हैं और एग सेल जो होता है वो जर्म सेल होता है आ, फीमेल जर्म सेल होता है वो और बीच में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जिसको सेंट्रल सेल भी होते हैं और यहाँ पर चलाजल एंड होता है वहां पे थ्री एंटीपोडल सेल्स होते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट इज मींट बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट ठीक है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट का मतलब क्या है सॉल्यूशन इन मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगा स्पोर्स इज फंक्शनल वाइल द अदर थ्री डी जेनरेट जब इसमें चार मेगा स्पोर्ट्स बनते हैं उसमें एक ही मेगा स्पोर्ट जो होते हैं वो फंक्शनल होते हैं और बाकी तीन जो होते हैं वो डिजेनरेट कर जाते हैं तो ओनली द फंक्शनल मेगा स्पोर्ट डेवलप इन टू द फीमेल गैमिटोफाइट और एम्ब्रियोसेक तो जो यहाँ पर है ना कि वन ऑफ द मेगा स्पोर इज फंक्शनल तो एक मेगा स्पोर जो होता है जो फंक्शनल होता है वही फीमेल गैमिटोफाइट में या एम्ब्रियोसेक में डेवलप होता है दिस मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक फ्रॉम अ सिंगल मेगा स्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट ठीक है इसमें क्या है कि इस तरह से सैक जो बनता है किससे एक सिंगल मेगा स्पोर से जो चार मेगा स्पोर में से एक मेगा स्पोर फंक्शनल होता है उससे उसका सैक का जो डेवलपमेंट होता है तो वो मोनो स्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है मोनोस्पोरिक मोनो मीन्स मोनो सिंगल और स्पोरिक मेगा स्पोर अभी तक हम लोगों ने ये पांच क्वेश्चन के आंसर्स किए और अब नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे थैंक यू